स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड में 690 लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी अनाउंस हुई है उसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। यह वैकेंसी एक बार पहले भी अनाउंस हो चुकी है, लेकिन नियोजन नीति में समस्या होने के कारण इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। नियोजन नीति में संशोधन के बाद एक बार फिर से इस वैकेंसी को अनाउंस किया गया है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में की जो एलिजिबिलिटी है, फीस इत्यादि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या है। अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें और आपको इनका फायदा भी मिलता रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरी वैकेंसी को प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक विषय के लिए कुल 230 वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के कुल 230 रिक्तियों को अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के छात्रों या अभ्यर्थियों के लिए भी सभी वर्गों की सीटें जो है वो आरक्षित की गई। तीनों विषयों में कुल मिलाकर 690 पोस्ट की वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है। परीक्षा शुल्क के रूप में सामान्य अभ्यर्थियों के 100 रुपए देने होंगे। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए निर्धारित किया गया है। सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपए निर्धारित किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में वैसे आवेदक जिन्होंने अपना आवेदन दिया था और उनकी सभी योग्यताएं इस वैकेंसी के लिए सही थी, उनको आवेदन तो फिर से देना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन आवेदकों को इस नए आवेदन पत्र को समर्पित करते समय या भरते समय अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दर्ज करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी, अन्यथा उन्हें भी फिर से परीक्षा शुल्क देना होगा। यानी कि यदि वो अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालते हैं तो उन्हें परीक्षा फीस नहीं देनी होगी, नहीं तो उन्हें फिर से परीक्षा फीस देनी होगी। प्रयोगशाला सहायक के लिए जो वेतन मान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 निर्धारित किया गया है, जिसके अंदर 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक का जो बेसिक वेतन है वो ऑफर किया जाएगा। इन तीनों पोस्ट के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह है राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और या जीव विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री जो है वो अनिवार्य होगी। इन सभी पदों के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है वो 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। वहीं अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण का दावा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तथा जाति निवासी प्रमाण पत्र जो है वह आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, जिसका फॉर्मेट जो है वो आवेदन पत्र के साथ दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो डाल दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ एक विशेष बात है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी आवेदकों को यह ध्यान रखना है कि जो भी आवेदक हैं उन्हें अपने नाम की स्पेलिंग वही लिखनी है जो उनके मैट्रिक या टेंथ के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में प्रिंट है। मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट से स्पेलिंग अगर मिसमैच होगी तो उनका जो आवेदन है उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस आवेदन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु जो पोर्टल है वो 5 अप्रैल 2023 से लेकर 4 मई 2023 की मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए यह पोर्टल 6 मई 2023 की मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जो है वह अभ्यर्थी 8 मई 2023 की मध्य रात्रि तक ले सकेंगे। 10 मई 2023 से लेकर 12 मई 2023 की मध्य रात्रि तक इस पोर्टल को एक बार फिर से खोला जाएगा, ताकि आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रकार की गलती को जो कैंडिडेट है उसको सुधार सकें।
यह परीक्षा जो है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी मोड पर ली जाएगी तथा अभ्यर्थियों के जो प्राप्तांक है उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सीबीटी एग्जाम के आधार पर अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट है उसको नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा जो है वह एक चरण में ली जाएगी। इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे और सभी प्रश्न जो है वह हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे और यह परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की जो समय है वह 3 घंटा निर्धारित है। मुख्य परीक्षा में जो पहला प्रश्न पत्र है वह सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है और प्रश्न पत्र 2 जो है वह उस विषय का होगा जिस विषय में नियुक्ति होनी है, उस विषय की परीक्षा 300 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। वहीं प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। पेपर 1 जो है वो बस क्वालिफाइंग होगा, इसमें कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना जरूरी होगा और इसमें क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% नंबर लाना जरूरी है। वहीं पेपर 2 में कम से कम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 45% अंक लाना जरूरी होगा। प्रश्न पत्र 2 में सभी प्रश्न जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे। यदि आपको इस परीक्षा से संबंधित सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। ये थी इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल रैपिड जियो में।